हाल दिल मुझसे, हाल दिल मुझसे न पूछो, मेरी नजरें देखो। दिल को तेरी तस्वीर से बहलाए हुए हैं, बहलाए। हम तुम ये बहार देखो, रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। इन गानों को सुनकर उन लोगों का यह भ्रम टूट जाएगा जो ये मानते हैं कि मोहम्मद रफी ने राज कपूर के लिए गाने नहीं गाए, अथवा ये कि रफी साहब की आवाज राज कपूर के लिए सूट नहीं करती थी। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूं। ऐसे एक नहीं अनेक गाने हैं जिनको रफी साहब ने राज कपूर के लिए गाया, और उन गानों को सुनकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गाने राज कपूर पर फिल्माए गए होंगे। मरते नहीं जलकर परवाने। जब रफी साहब के गाए गाने राज कपूर पर पिक्चराइज हुए, तब ऐसा कभी नहीं लगा कि रफी साहब की आवाज राज कपूर के हाव भाव से मेल नहीं खाते। बन दो तुम और हम, धड़क धड़क दिल, धड़क धड़क दिल धड़के, मांजली परवाना आया मांजली। लेकिन राज कपूर ने पर्दे के पीछे की आवाज के लिए मोहम्मद रफी के बजाय मुकेश को चुना, ताकि दिलीप कुमार और देवानंद से अलग वो अपनी विशिष्ट पहचान बना सके, क्योंकि उस समय मोहम्मद रफी, दिलीप कुमार और काफी हद तक देवानंद की आवाज बन चुके थे। बाद में देवानंद ने भी राज कपूर की तरह अपनी अलग पहचान बनाने के लिए पर्दे के पीछे की आवाज के लिए किशोर कुमार को चुना, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद रफी देवानंद के लिए गाते रहे। जहां तक राज कपूर की बात है, तो इतना जरूर है कि मोहम्मद रफी को राज कपूर के लिए अधिक गीत गाने के मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी इन्हें राज कपूर के लिए गाने का मौका मिला, उन्होंने राज कपूर के हाव भाव और अभिनय शैली को ध्यान में रखकर गीत गाए। गली गली सितारों आज मेरे देश में, तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, फूल ही फूल है जैसे चमन। इस वीडियो में मैं राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी के गाए उन गानों की बात करने जा रही हूँ जो राज कपूर पर इस कदर फिट बैठे कि उन गानों को सुनकर खुद राज कपूर भी चौंक गए। वे गाने कौन से थे और वे गाने कैसे बने, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, राज कपूर साहब ने जब अपनी एक्टिंग की शुरुआत की, तब उनके लिए कई गायकों ने गाने गाए और कई संगीतकारों ने राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी से गाने गवाए। नौशाद साहब ने भी राज कपूर के लिए रफी साहब से गाने गवाए। फिल्म अंदाज के बारे में तो सभी संगीत प्रेमियों को पता है कि किस तरह से नौशाद साहब ने दिलीप कुमार के लिए बने गानों को मुकेश से गवाया, जबकि राज कपूर के लिए बने गानों को मोहम्मद रफी से गवाया। राज दिल के तो निगाहों से पता होते हैं, राज दिल के तो। इस तरह से फिल्म बरसात में शंकर जयकिशन ने राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी से गाने गवाए। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूं, रोता ही रहा हूं, तड़पता। राज कपूर की फिल्म श्री 420 में भी मोहम्मद रफी से गाना गवाया गया। रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। लेकिन बाद के दिनों में मुकेश ही राज कपूर साहब की पहचान बन गए। भरी है ये जीवन की राहें, लेकिन तुमको मैंने ही पहचाना, तुमने मुझको समझा था बेगाना। देखा ही नहीं तुझको, सूरत भी न पहचानी। और तब कोई संगीतकार राज कपूर पर फिल्माए जाने वाले गानों को मुकेश के अलावा किसी अन्य गायक से गवाने के बारे में सोचता भी नहीं था। खुद राज कपूर भी अपने ऊपर फिल्माए गए गानों को मुकेश से ही गवाने के बारे में जोर देते थे। ऐसे में राज कपूर के लिए किसी और गायक की आवाज में गाने रिकॉर्ड करवाना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी कुछ संगीतकारों ने उस दौर में हिम्मत दिखाई और राज कपूर के लिए रफी साहब से गाने गवाए, जैसे ओपी नायर ने फिल्म दो उस्ताद में राज कपूर पर फिल्माए जाने वाले सारे गाने मोहम्मद रफी से गवाए। रुक रुक रुक, कहाँ चली दीवानी, कोई रोके। परली का नाका, दुनिया धमाका, कदम कदम पे छोड़ो एक पटाखा। ओपी नायर के अलावा रवि ने भी फिल्म नजराना में इसी तरह का प्रयोग किया। ओपी नायर की तरह रवि ने भी रफी साहब के बड़े मुरीद होते हुए उनसे गाने गवाए। बाजी किसी ने प्यार की,
रवि हालांकि गायक बनने के लिए फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन बन गए संगीतकार। रवि साहब की खासियत यह थी कि वह रफी साहब को ध्यान में रखकर धुनें बनाते थे, और ऐसे में निर्माता निर्देशक की मजबूरी हो जाती थी कि उन गानों को रफी साहब से ही गवाएं। लेकिन जब राज कपूर की फिल्म नजराना के लिए संगीत देने का काम उन्हें मिला, तब उन्होंने बिल्कुल अलग किस्म की धुन बनाई। रवि ने इस फिल्म में एक युगल गीत को मुकेश से गवाया। एक वो भी दिवाली थी, एक ये भी दिवाली। लेकिन रवि ने एक एकल गीत को रफी साहब से भी गवाया, और रफी साहब ने ऐसा गाया कि राज कपूर भी चौंक पड़े। यह गाना बिल्कुल उनके अनुरूप बना था। जैसे गुजर सकी ये शबे गुजार दी। आपने ध्यान दिया होगा कि राज कपूर पर पिक्चराइज होने वाले रफी साहब के गानों में से यह गाना बिल्कुल हटकर था। इस गाने को सुनकर सहज अंदाजा लग जाता है कि यह गाना केवल और केवल राज कपूर के लिए ही है। विकिपीडिया के अनुसार यह गाना उस दौर के लोकप्रिय सैड सॉन्ग्स में से एक था। इस गीत को लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने। बाजी किसी ने प्यार की जीती हार दी। राज कपूर पर फिल्माया गया रफी साहब का एक और गाना ध्यान में आता है, जिसका संगीत दिया था एस मोहिंदर ने। मरते नहीं जल कर परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। पापी उन कुछ फिल्मों में से एक थी जिसमें एस मोहिंदर को राज कपूर और नरगिस जैसे टॉप के कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन मुश्किल ये थी कि उस समय तक मुकेश राज कपूर की आवाज के रूप में स्थापित हो चुके थे। इसके बावजूद एस मोहिंदर ने राज कपूर के लिए मोहम्मद रफी से गाने का दुस्साहसिक निर्णय लिया। कहती है जो दुनिया कहने दे तू जलते जलते ये। रफी साहब का गाया यह गीत फिल्म के अंतिम हिस्से में रखा गया था। सिनेमा घरों में बैठे दर्शक फिल्म के अंतिम हिस्से तक पहुंचने से पहले ही निकल चुके होते थे। जो दर्शक फिल्म देखते देखते ऊब कर सो गए होते थे, वे फिल्म के अंत में रफी साहब का गीत शुरू होने पर अचानक जाग जाते। तू पंख जला ले दीवाने, चाहे शमा जले या ना जले। दर्शक उस गीत तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले की धुन के साथ ही पैरों की थाप देने लगते थे। दर्शकों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि रफी साहब तो राज कपूर के लिए बने थे। तेरा काम है जलना परवाने, चाहे शमा जले या ना जले। क्या पता मौका मिलने पर रफी साहब राज कपूर के लिए अधिक उपयुक्त साबित होते। साहिल जो डबो दे कश्ती को, साहिल की तमन्ना कौन करे। मैं जिंदगी में हर दम रोता ही रहा हूँ, रोता ही रहा हूँ, तड़पता। जमुना के तक हम तो रोकेंगे बाट, हम तो रोकेंगे बाट। तो दोस्तों, आप राज कपूर साहब के लिए रफी साहब के गाए हुए गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको राज कपूर पर पिक्चराइज किए गए कौन से गीत अधिक पसंद हैं? आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा ये हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।